स्टार ओपन चैलेंज 24 में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोहिणी के विजय विहार फेज 2 में। हमारे साथ हैं जोगिंदर कौर जी। आज हम इन्हीं के घर पे आए हैं क्योंकि एक ऐसा शख्स है जो कि काफ़ी सारे लोगों को नौकरी का और एक किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन होने का झांसा देकर लाखों रुपए जो है वो लेकर भाग चुका है। उसी सिलसिले में इन लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस तरह की घटनाओं से जो है वो सचेत रहें और ऐसे लोगों के झांसे में ना फंसें। तो मैं आपको इन सबसे मिला देती हूँ। जोगिंदर कौर जी, आप कब से यहाँ रह रही हैं इस एड्रेस पर? मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। तो वो जो शख्स था वो यहीं आपके ही किसी एरिया का था या कहीं दूर से था? वो मेरे एरिया का ही था और मुझे उसे जानते हुए 3-4 साल हो गए थे। मुझे लोग कहते थे ये फ्रॉड है। मैं कहती थी नहीं, इसके हालात ख़राब हैं, ये फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन आज वो हकीकत में वो कई लोगों का, कई गरीब और मजबूर और बेसहारा औरतों का पैसा लेकर भागा है और ये कहकर भागा है कि मैं आपको नौकरी दिलाऊँगा और मैं आपको लोन दिलाऊँगा, मैं आपकी प्रॉपर्टी को लाइजनिंग पर रखूँगा, और वो ऐसे करके लोगों से पैसा लेके भाग गया है। हमने उसकी कंप्लेन की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद हमने उसको जयपुर गोल्डन से पकड़ा, उसके बाद 100 नंबर पे कॉल किया। पुलिस ने उसको पहले सेक्टर 3 थाने ले गई, उसके बाद विजय विहार थाने लेके गए। विजय विहार थाने वालों ने भी उसके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, खाली उनको 5,000 दिला के 8,000 उसके जेब में थे, 3,000 इन्होंने रखे या क्या रखे हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें 5,000 रुपया दिला के ये कह दिया कि हमने लिखवा लिया, ये आपको इतना इतना पैसा दे देगा और हमारे जाने का उसको छोड़ दिया। हम पुलिस की इस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जी, आप देख रहे हैं कि जोगिंदर कौर जी का कहना है कि इन्होंने उसे कल जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जो कि रोहिणी के अंदर है वहां से उसे पकड़ा है और वहां तुरंत ही इन्होंने 100 नंबर कॉल की है और पुलिस आई भी है, पुलिस उसे थाने तक लेकर भी गई है। मगर थाने के अंदर जाकर पता नहीं क्या हुआ, पैसों का लेकर पुलिस को उन्होंने रिश्वत दी है या क्या हुआ, पुलिस ने सिर्फ एक इनको आश्वासन दे दिया कि ये जो इंसान है, जो बंदा है, वो आपको धीरे धीरे करके पैसे वापस लौटा देगा। और पुलिस ने कोई कार्रवाई ना करते हुए, कोई FIR दर्ज ना करते हुए, उस पर कोई कार्रवाई ना करते हुए उसे छोड़ दिया और उसे जाने दिया। सर, आप अपना नाम बताइए। जे पी शर्मा जी, आप कहाँ रहते हैं? ये बाग कड़े खां किशनगंज। किशनगंज आप रहते हैं। तो सर, आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं, क्या आपके साथ भी उसने कोई ऐसी वारदात की है? हाँ, मेरे साथ ही किया है। इसने पिछले डेढ़ साल से ये मेरे को कोई स्कीम बताता रहा है। भाई साहब मेरे साथ काम करता था प्रॉपर्टी का, मेरे साथ डेढ़ साल से ये मेरे को स्कीम बताता रहा कि भाई साहब इसमें इतना फ़ायदा होगा, इसमें फ़ायदा होगा, करोड़ों लाखों का फ़ायदा है, ज़िंदगी बन जाएगी, ये होगा वो होगा। मैं इसके लालच में आता रहा और इसको पैसा देता रहा और उसको क्या नाम है उससे बेचता रहा, क्या नाम है, क्या होता है ये साइबर कैफे से पैसे इसके बीवी के अकाउंट में भेजता रहा। एंड में आकर के 28 दिसंबर 2018 को मेरे को यहाँ बुलाया इसने सेक्टर 4 पार्क में कि भाई साहब पैसे लेके आ जाइए और आप जो है ना अपने पैसे ले जाइए। आया ये आकर के 7,500 रुपये लास्ट में आकर ले गया है। पहले भी 10,000 कभी 20,000 ऐसे लेता रहा और एंड में आकर के 7,500 रुपये ले गया कि आप यहाँ 10 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं 10 मिनट क्या, 2 घंटे मैंने इसका इंतजार किया, फ़ोन पर फ़ोन करूँ उठाए नहीं, मैसेज किए मैंने गंदे मैसेज किए। एंड में आकर के इसने कहा कि मैं 5 रुपये लेंगे। तो सर, आप साइबर कैफे से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे तो आप उसका घर का एड्रेस या उसकी फैमिली को किसी को जानते नहीं हैं? नहीं, एक दो दफ़े उसकी बीवी से मिला था मैं जी, यहीं विजय विहार में। ओके, तो मेरे चलो अच्छा आदमी है, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने ये बताया आपको कि आपको किसी स्कीम में वो जोड़ रहे हैं और आप बिना सोचे समझे आप उनको पैसा जो है वो उनके अकाउंट में, पर्सनल उनके अकाउंट में, उनकी वाइफ के अकाउंट में आप ट्रांसफर करते रहे साइबर कैफे के थ्रू। तो सर, आपने कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं कि आप लगातार उनसे बीच में मिलते भी रहे कि आप किस स्कीम में? बिल्कुल मिलता रहा, पैसे आ रहे हैं, एश्योरेंस देता रहा, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसे करता रहा। वो देखा आपने कि वो जो शख्स पैसे लेकर भागा है वो सर के साथ प्रॉपर्टी डीलर का वो काम करता था, ये फ्रेंड थे काफ़ी टाइम से, एक दूसरे को जानते थे, मगर फिर भी 15 साल से एक दूसरे को जानते थे, मगर उन्होंने इनको इतने गलत तरीके से अपने झांसे में लिया कि मैं आपके पैसे को 20 लाख में 40 लाख में बदल दूंगा, आपको डबल करके दूंगा, कोई स्कीम चल रही है, इस तरह से उन्होंने इनका पैसा जो है वो लिया और उसके बाद उस इंसान का कोई पता नहीं चला वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जो 28 दिसंबर को उसने क्या किया कि दे दिए मेरे को, मेरे 7,500 रुपये दे दिए
उसके बाद उसने मेरे को थैला दिया, कहता है कि भाई आप जो है ना इसको थैले को संभाल के रखो, मैं आपके साथ 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, 10 आप ले लेना, 10 मैं ले लूँगा। तो सर आप बताना चाहेंगे कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको सबको पता चले उसका नाम, उसका एड्रेस और उसकी वाइफ का नाम क्या है। वाइफ का नाम मेरे को अच्छा, उस शख्स का नाम क्या है? अश्वनी। प्रॉपर नाम बताइए। प्रॉपर नाम अश्विनी कहता था वो। ओके, सिर्फ अश्विनी। ओके, किस एरिया में रहते हैं वो? वो विजय विहार में रहता था। वो विजय विहार में। ओके, तो जोगिंदर कौर जी आप एक बात बताइए, जिस टाइम कल आपने उनको वहाँ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में पकड़ा है और वहाँ पुलिस आई है, आप पुलिस के साथ उसके थाने में गए थे? बिल्कुल गए थे, बिल्कुल गई थी मैं उसके साथ। तो आपने FIR भी पहले कराई होगी जब वो पैसा लेके भागा होगा, तो काफी टाइम हो गया होगा इस बात को? तो नहीं, FIR कोई नहीं कराई थी, FIR नहीं कराई थी। अच्छा। जिस समय वो भागा है 100 नंबर पे कॉल की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। ओके, कहने लगे आप एक लिखित कम्प्लेन दे दीजिए हम देख लेंगे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप देख रहे हैं कि ये लोग कितने परेशान हैं, साफ साफ ये बोल रहे हैं विजय विहार थाना जहाँ पे हमने कंप्लेंट की, पहले भी 100 नंबर पे कॉल की गई जब वो बंदा यहाँ से भागा था पैसे लेके, दूसरी बार उनको ये थाने में लेकर गए हैं उसको पकड़ के, बकायदा उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस के साथ ये लोग विजय विहार थाना में, बार बार इस बात को रिपीट करना चाहूँगी, विजय विहार थाना रोहिणी की ये खबर है जहाँ से लोगों ने बहुत परेशान होकर उस जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से उसको पकड़ा गया था, उसका नाम अश्वनी बताया जा रहा है। हम जी अश्वनी उसका नाम बताया जा रहा है, वो सारी वीडियो जब उसको पकड़ा जा रहा था और इन्होंने पुलिस के हवाले किया, वो सारी वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसकी फोटो, उसका नाम वगैरह सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी फिलहाल वो अपना नंबर जो है वो स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, हमने उन लोग उस शख्स से बात करने की कोशिश की, उसको कई बार हमने नंबर भी मिलाया है उसका, बट वो फ़ोन अपना जो है वो बंद करके बैठा है। तो सर आप एक बात ये बताना चाहें, आप टोटल कितना पैसा उसको दे चुके हैं? 60 एक दफ़े और 150 के करीब एक दफ़े। तो जब धीरे 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 करके दिया उसको जी, जब उसने आपको उस पैसे के बदले में पैसा जब नहीं लौटाया तो आपने उसकी कंप्लेंट करना जरूरी नहीं समझा? नहीं, जरूरी समझा, लेकिन ये है कि मैं कंफ्यूज बहुत हो गया था, परेशान बहुत हो गया था, कंप्लेंट नहीं की मैंने। हाँ, उसको थैले को लेकर के मैं और मिसेज उसके ससुराल पहुँचे, जहाँ कौन सी है वो, नोएडा नहीं, यहाँ पर कौन से, हाँ वो मोतीबाग नहीं, ये कनॉट प्लेस में, उसके घर पहुँचे मिसेज के साथ, उसकी साले की वाइफ मिली, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी बहुत 30-40 का फ्रॉड कर गया है, ये बहुत गंदा बंदा है, हमें भी मारने के लिए दौड़ता है ये, और इसकी जो है ना भाई रहते हैं वहाँ पे नोएडा में सेक्टर 19 में, सिस्टर भी वहीं रहती हैं, और उनसे कहो तो मैं उसका टेलीफोन नंबर भी दिया है, रानी नाम है उसका, इसके साले की वाइफ का। लेकिन तो सर वो जो उनकी फैमिली वाले हैं वो खुद जानते हैं कि ये बंदा फ्रॉड है और वो बता रहे हैं कि 40 लाख का ये यहाँ भी घोटाला करके भागा है जी, तो उसकी फैमिली जो है वो उसको पकड़वाने की कोशिश नहीं कर रही है? नहीं, कोई नहीं कर रही। ओके, मतलब कि ना तो उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है इन लोगों का, ना पुलिस सपोर्ट कर रही है, कोई भी जो सामाजिक संगठन है वो भी अभी तक सामने नहीं आया है। तो जोगिंदर कौर जी आप बताइए कि उस बंदे को जो कल पुलिस ने पकड़ा था, आपने पकड़वाया था, तो आपको क्या लगता है उसने पुलिस को कुछ पैसे दिए होंगे या क्या? बिल्कुल दिए हैं, उसकी जेब में 8,000 रुपये थे और वो हमें दे रहा था, तो उस समय आईओ ने मना कर दिया और उसको अंदर भेज दिया, और कुछ देर बाद आया, कहने लगा इनको 5,000 दे और बता कितना कितना करके इनको पैसा देगा। तो मैंने बोला कंप्लेन तो मैंने कराई, मेरा 15-20 हज़ार रुपये आए, तो मेरा तो आपने रेफरेंस नहीं दिया। कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, तो मेरा लिखा तो जिस लेडीज़ के 50,000 रुपये लेके भागा था उसको 5,000 दिए, बाद में मैंने उससे 1,500 रुपये लिए, और उसके बाद ये कहा कि आपको ये दे देगा, और मैं हमारे जाते उसको छोड़ दिया। और अभी अभी मेरी रिसेंटली उसकी सलेज से बात हुई है, वो ये कह रही है इनकी फैमिली में कि ये CP से 40 लाख का घोटाला करके भागा है और हम इसके साथ हैं, आप लोग कंप्लेन करो, अगर पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी हमारा पूरा फैमिली सपोर्ट करेगी आपको जी। तो जैसा कि उसकी फैमिली भी बता रही है, जो अश्वनी नाम का बंदा है जो घोटाला करके भागा है, विजय विहार से भी लाखों का इसने घोटाला किया है, CP से भी इसने 40 लाख का घोटाला किया है, लगातार उससे इनकी बात भी होती रही है फोन पे, वो इनको बार बार बातों में बहलाता रहा, हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं आपके पैसे दे के जाऊंगा, और वो मतलब उस बंदे ने आकर इनसे दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की, जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार बात हो रही है, वो सारी रिकॉर्डिंग उनकी फैमिली से जो बात हो रही है, उस बंदे से जो बात हो रही है, वो सारी रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर करें, आप लोग खुद सुन सकते हैं कि इनकी क्या बात हुई है। तो सर आप अब क्या कहना चाहते हैं पुलिस से क्या कहना चाहते हैं और हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं? पुलिस से तो मेरे पुलिस कंप्लेंट की ही नहीं, और उसकी सलेज ने ये कहा था कि कंप्लेंट मत करो, आप उसके सास का
चेक है व्हाट्सएप पे भेजा है उसने सास का चेक कि उसके उसी के एड्रेस से हम गए उसी को। तो आपके पास वो अकाउंट नंबर तो होगा ना जिस अकाउंट पे आपने पैसा साइबर कैफे से ट्रांसफर किया था? ओके, अकाउंट दोनों के हैं। आपने जो पैसा ट्रांसफर किया था उसकी एक स्लिप आती है, एक ट्रांसफर किया उसी वाइफ के में जी, तो उसका प्रूफ आपको मिला होगा जो पैसा ट्रांसफर हुआ उसके अकाउंट में? कोई कुछ कोई मैसेज आपके व्हाट्सएप पे आया होगा? व्हाट्सएप पे आया था, मैं डिलीट करता रहा मैं। तो ये गलती अच्छा, आपकी भी है ना सर कि इतनी बड़ी आप गलती कर रहे हो। लेकिन उसकी स्टेटमेंट से बैंक स्टेटमेंट से सारा निकल आएगा। हाँ, बैंक स्टेटमेंट तो होगी ना आपके पास? मेरे पास नहीं है ना, मुझे कौन दे देगा बैंक स्टेटमेंट? सर आपने जो भी उसको पैसा ट्रांसफर किया अकाउंट से उसके उसकी वाइफ के अकाउंट में, तो उस बंदे ने आके कभी आपको वो पैसा लौटाने की कोशिश नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं की, नगद भी दिया उसको मैंने। ओके, तो आपने उस बंदे को ढूंढने की कोशिश की, आप उसकी फैमिली के पास गए, उनकी फैमिली के घर गए, उसकी बहन के घर भी गए हो, तो क्या वहाँ वो मिला है? बहन के घर नहीं गया मैं, उसके ससुराल गया। अच्छा, उसकी ससुराल गए? ससुराल कहाँ पर है? ससुराल उसकी बंगला साहब रोड, बंगला साहब रोड पर उसकी ससुराल है। ओके, तो वो वहाँ मिला नहीं आपको? वो मिला नहीं वहाँ पे, उसकी साले की वाइफ मिली थी 63A बंगला साहब रोड है एड्रेस। 63A बंगला साहिब रोड ये एड्रेस है उस बंदे का, और अश्वनी नाम है, अनुराग उसके साले का नाम है जी, और रानी उसकी सलेद का नाम है जी। जोगिंदर कौर जी, आप आजकल हमने ये चीज़ देखी है कि कोई भी बड़ी घटना हो जाती है तो पुलिस जल्दी से कार्रवाई नहीं करती है, तो पुलिस प्रशासन की इस लापरवाही को देखकर आप क्या कहना चाहोगे? पुलिस की इस लापरवाही को देखते हुए ये कहना चाहूँगी कि आज जितना भी भ्रष्टाचार, जितना भी करप्शन हो रहा है, सब पुलिस की वजह से हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ पुलिस का है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैंने उनका ये भी कहना है कि ना हम पैसा दिला सकते हैं और ना हम पैसे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जब आपने दिया था तो हमसे पूछा था, तो हमने उनसे ये कहा कि जब कोई घटना घटती है कोई किससे पूछ के करता है क्या? जब घटना घटने के बाद ही पुलिस को बुलाया जाता है कि आप लोग हमारी हेल्प करें, मैंने आपको पकड़वा के दे दिया है, अब आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। मैं इस बात से बेइंतहा दुखी हूँ कि दिल्ली की पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है। हमें नहीं पता था, मुझे लोगों ने कहा ये फ्रॉड करता, मैंने बोला नहीं, गरीब आदमी है, इसके पल्ले कुछ नहीं है, मेरी सहेली ने राशन दिया, सब कुछ दिया इसको। मेरे को काम के लिए नहीं रखा था, वैसे जिंदगी के पर्पज में जानता था, हाँ बोल दिया मैंने बोल दिया तेरे को, तूने जो करा अच्छा नहीं किया, तू पैसा लेके क्यों भागा उसका, और तू फोन क्यों नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा फोन, तू बता मुझे तेरे साथ क्या बुरा किया, जिंदगी इसी काम में रह गई तेरी क्या? कोई नहीं है सबको बुला, तेरी बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है, पीयूष है, ये है, वो है, बहुत लोग हैं तेरे, चिंता ना कर तू, और तेरी मैं वीडियो वायरल करूंगी फेसबुक पे। नहीं, उस समय नहीं सोचा था 7 लाख रुपए बोल देते, नहीं था पैसा, मुझे मना कर देता, मेरे को सबर था। बंदा बोलता है 8 बजे फोन है इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा आराम से, ठीक है भाई, फिर भी बंदे से नहीं निकला, नहीं है कहता आंटी पैसे आ गए हैं 5-5 लाख करके दे दूंगा आपके किराया में, कैसे मम्मी कहते हैं। मैं 2 दिन पहले गई, मुझे 5 लाख का चेक दिखा रहा, और उनके जिनके पेपर्स ले गए ना उनके आदमी के साइन करा रखे उसके। इसने सोचा मैं दुनिया का फ्रॉड करता हूँ, मेरा कुछ नहीं होता। पानी पी ले पहले पानी पी ले फिर सुनेगी भाई, मगर ये गलत पानी पी ले सुन ले। तुझे ये दिन कभी देखने ना पड़ते, तू मुझे कह देता। तूने मेरी सहेली के साथ धोखा किया, गरीब औरत लोगों के बर्तन मान के गुजारा कर रहे हैं। भाई मगर ये गलत बात है ना। 24 से मैं रेखा सिंह, कैमरामैन अमित सैनी के साथ।